अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हो? खैर वाफियत से हो? आवाज आ रही है, स्क्रीन शो हो रही होगी। अच्छा जी, अक्टूबर के करंट अफेयर्स थोड़ा सा डिले हो गया, जरा थोड़ा सा फैमिली उसके अंदर बिजी था, तो इनशाला अक्टूबर के भी आज आपके हो जाएंगे, और इसी अगले वीक के अंदर इनशाला जो है नवम्बर के भी अब कम्प्लीट होने वाले हैं, तो नवम्बर के हो जाएंगे। तो यहाँ आप लोगों को एक चीज बता दूँ, इंशाल्लाह दिसंबर तक जो कंप्लीट हो जाएंगे आपके करंट अफेयर्स, तो आप लोगों का एक टेस्ट सेशन शुरू किया जाएगा, जैसे 2022 का हमने किया था मंथ वाइज। ठीक है, तो जैसे 2022 जनवरी से दिसंबर 2022 तक सारे करंट अफेयर्स का टेस्ट लिया गया था, मिनिमम से फीस रखे कोई 400-500। इसी तरह हम 2023 जनवरी से लेकर दिसंबर तक सबके करंट अफेयर्स का टेस्ट रखेंगे, टेस्ट सेशन रखेंगे एक मंथ का, जिसने भी उसको डिवाइड कर ले। ठीक हो गया। और उसके अलावा अभी आप लोगों के लिए जो ऐसे वाला सेशन है उसको लाजमी देखो, उसमें आप सबसे बेस्ट चीज है इवेल्यूएशन। ठीक है, कि आप लोग जो ऐसे लिखोगे, जो पैराग्राफ, जो चीजें आपको साइन होंगी, वो आपकी डेली की डेली एक दिन बाद 2 दिन बाद आप लोगों को चेक होके मिलेंगी, आपको पता लगेगा कि आप लोग कितने पाने में हो। तो जो स्टूडेंट्स रहते हैं, तो क्योंकि इसमें थोड़े से स्टूडेंट्स ही लेने की इवेल्यूएशन होनी है, तो जो सीरियस हैं, जो तहसीलदार और बाकी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो लाजमी जो है ना उसको भी एक दफा आप लोगों ने उसके डेमो लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड है, तो उनको लास्ट में आप लोगों ने देख लेना। अक्टूबर के हवाले से बात करें तो अक्टूबर पुराने स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पे इसको मनाया जाता है, और अक्टूबर के अंदर एक और मंथ भी आता है, एक और डे भी आता है 10 अक्टूबर, आई थिंक यहाँ ऐड भी होगा, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे का हवाले से। ठीक है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे जो है वो भी आपका अक्टूबर के अंदर आता है, तो ये डेज और बुक्स वाले जो है इनको रिवाइज करते रहा करो, यूट्यूब पे भी लेक्चर अपलोड है, पीडीएफ भी आप लोगों के पास है तो इसको देख लिया करो। मोहम्मद मोइजो, ये पहले लास्ट टाइम भी मैंने करवाया था, यहाँ फिर अगेन आ गया, तो ये आप देख रहे हैं कि मालदीव के अंदर जो प्रेजिडेंट है वो चेंज हो गए हैं, मोहम्मद मोइसो साहब आ गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, एक्सरसाइजेस इस माह के अंदर 2-3 हुई हैं, ये हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इटर्नल ब्रदरहुड। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा, स्पेशल फोर्सेस की वो थी आपकी केपी के अंदर, कहाँ हुई है पूछा जा सकता है, केपी के अंदर हुई, तो ये पाकिस्तान के अंदर कंडक्ट हुई, पाकिस्तान था, तुर्की था, कजाकिस्तान था, कतर, उज़्बेकिस्तान, ये पांच जो है, ये लास्ट लास्ट ईयर भी ये हुई थी इटर्नल ब्रदरहुड, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को करवाया था, देख लीजिएगा करंट अफेयर्स में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अक्टूबर में बाकी चीजें सारी एक साइड पर, और नोबेल प्राइज एक साइड पर, नोबेल प्राइज सारे आप लोगों ने किए हुए हैं, 2021 के भी मैंने करवाए हैं, 22 के भी करवाए हैं, अब 23 के आ गए हैं, बल्कि इवन 2020 के भी हमने किए हुए हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि अक्टूबर के अंदर जो नोबेल प्राइज विनर्स होते हैं वो अनाउंस होते हैं, और 10 दिसंबर दिसंबर जो है दिसंबर के अंदर जो है नोबेल प्राइजेस दिए जाते हैं, ये चीज जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो कंफर्म करेंगे, उनको ये चीज पता है, तो ये आप लोगों ने सारा ये देख लेना है हमारे पास। तो जो मेडिसन आपको पता है ना 6 कैटेगरीज में मिलता है, ये मेडिसन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और उसके बाद लिटरेचर है आपका, फिर उसके बाद पीस प्राइज है, और आखिरी होता है इकोनॉमिक्स का। तो जो हमारे पास फिजिक्स का है, फिजिक्स में आप लोगों के ये 3 लोगों को मिला है, उन्होंने लाइट कैप्चर ये एक्सपेरिमेंट्स किए हैं लाइट लाइट के साथ, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट है ये हमारे पास एमआरएनए वैक्सीन्स, ये जो कोविड की वैक्सीन्स बनी है ना उनके हवाले से ये आपसे सवाल पूछा जाएगा, ये कैटेलिन वाला और ड्र्यू साहब वाला। ठीक है, एक कैटेलिन है और एक ड्र्यू है, इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन के अंदर, कि इन्होंने इनकी काविशों की वजह से जो कोविड की वैक्सीन आई थी एमआरएनए वैक्सीन, वो इनकी वजह से आई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। फिर केमिस्ट्री का हमारे पास क्वांटम डॉट्स को इन्होंने जो उसके हवाले से डेवलपमेंट की थी, तो ये 3 लोगों को मिला है, एक आपने मेडिसिन वाला, केमिस्ट्री फिजिक्स का कम पूछे जाते हैं लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेडिसिन वाला इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लिटरेचर और नोबेल पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज जो है ईरान की राइट एक्टिविस्ट है नरगिस मोहम्मदी, ठीक है, उसका क्या नाम है, नरगिस मोहम्मदी, उनको मिला है, और नॉर्वे के जॉन फॉस साहब जो है, जॉन फॉस, ठीक है, अब ये आप लोगों ने इनको सबको याद रखना है, साथ आप लोगों ने 2022 2021 जब ये पढ़ रहे होंगे, 2022 और 21 वाले भी रिवाइज पहले मैं यहाँ अटैच करने लगा था, लेकिन वो मैंने खुद अटैच नहीं किए, ताकि आप लोग क्या है वो अपने नोट्स खुद निकालें और दोबारा उनको देखें, ताकि थोड़ी सी हिम्मत करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएंगे, दोबारा रिवाइज हो जाएंगे। तो लिटरेचर का जॉन फॉस साहब को मिला है, उनका ताल्लुक कहाँ से है, नॉर्वे से, ये चीज हमेशा याद रखनी है, जॉन फॉस हु वॉन रिसेंटली नोबेल प्राइज इन लिटरेचर बिलोंग्स टू नॉर्वे, ये सवाल इसी तरह पूछा जाएगा। नोबेल पीस प्राइज का भी पूछा जाएगा कि रिसेंटली नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पीस प्राइज मिला है 2023 का, वो कहाँ से, उनका ताल्लुक है ईरान से ताल्लुक है, ठीक हो गया। इसी तरह इकोनॉमिक के अंदर जो मिला है वो हमारे पास जो मिला है वो क्लाडिया गोडविन साहिबा को मिला है, उन्होंने जेंडर वेज के ऊपर जो है वो उसके ऊपर एक इकोनॉमिक फार्मूला वो दिया, तो ये इनको मिला है, ये हमारे पास 6 के 6 इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों ने देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद ये अगेन सिरबाज खान का आप लोगों को पता होगा, पहले भी बताया, ये पहले पाकिस्तानी बने हैं जिन्होंने 13 जो है वो समिट्स को, जो कि 8 8 हजार से ऊपर बुलंदी पे, 14 है ना टोटल, तो उनमें से 13 को इन्होंने समिट कर लिया है और अब एक रह गई है, फिर ये पहले पाकिस्तानी बन जाएंगे। फिर ये सारी जिंदगी आपका जान नहीं छोड़ेगा ये सवाल कि पहले पाकिस्तानी जिन्होंने 8 हजार मीटर से ऊपर वाली जितनी बुलंदी वाली चोटियां हैं 14, वो किसने अबूर किया, तो वो सिरबाज खान का नाम आपको हमेशा पूछा जाएगा। ठीक है, ये दो लोग हैं, एक सिरबाज खान है, एक शहरोज काशिफ है। शहरोज काशिफ यंगेस्ट हैं, तो उनके हवाले से भी हमने काफी सारे देखे हैं, और K2 को सर करने वाले वो यंगेस्ट हैं, माउंट एवरेस्ट को सर करने वाले वो यंगेस्ट हैं। इस तरह सिरबाज खान जो है ये भी पाकिस्तानी है, इन्होंने 13 कर ली है, तो हो सकता है अभी 14वीं भी अभी 1 2 माह के अंदर अभी कर ले, तो फिर ये आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बन जाएगा सिरबाज खान का। नायरा कैनी के बारे में भी आपको पता है कि K2 और जो आपकी माउंट एवरेस्ट है, अभी इन्होंने रिसेंटली सर की पहली पाकिस्तानी, तो ये नायला कैनी जो सी है इन्होंने 10 जो है, सिरबाज खान ने 13 कर ली है, और ये पहली पाकिस्तानी विमेन है जिन्होंने 10 8 हजार वाली जो है वो क्या है उनको कर लिया है। और यहाँ आप लोगों ने मुझे बताना है बाद में ये कि पाकिस्तान के अंदर 14, ये जो 14 माउंटेन्स हैं 8 हजार से बुलंदी से ऊपर वाली, पाकिस्तान में कितनी आती है ये आपने मुझे बताना है। अगेन इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान के नेवी चीफ पुराने न्याजी साहब थे, अजमल खान, अमजद खान न्याजी साहब, तो अब चेंज हो गए, वो 22nd थे, अब 23rd आ गए हैं, उनका क्या नाम है, नवीद अशरफ साहब। अब पाकिस्तान के जो नए नेवी चीफ आए हैं, जो पाकिस्तान के नए नेवी चीफ आए हैं उनका क्या नाम है, उनका नाम है नवीद अशरफ, पुराने को आप भूल जाना है, नए को याद रखना है, कि 23rd नेवी के चीफ हैं। उसके बाद एक ये थर्ड ट्रांस हिमालय फोरम था, ठीक है, तो ये इसको आप इतना इसको डिस्कशन की जरूरत नहीं है, ये तिब्बत के अंदर हुआ था, पाकिस्तान को जो इस टाइम पाकिस्तान के कायम मुकाम फॉरन मिनिस्टर हैं जलील अब्बास, उन्होंने इसके हवाले से लाजमी सवाल पूछ लिया जाएगा, तो ये इतना वो नहीं है, तो इसको आप लोग देख सकते हो। अच्छा जी, ये इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब, ये वही अमजद साकिब साहब हैं जिनको मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको ये याद होगा, 2021 में मैंने ये करवाया था आप लोगों को मैग्सेसे अवार्ड, इनको मैग्सेसे अवार्ड भी मिला है। उसके बाद इनका नोबेल पीस प्राइज के लिए भी इनका नाम भेजा गया था, और ये जो मेरे ख्याल में अखुवत फाउंडेशन, आई थिंक हाँ अखुवत फाउंडेशन के ये बानी है, तो इनको बिस्प, ये लास्ट टाइम अभी भी सवाल पूछा गया था, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है, बेनजीर बिस्प इसको लिखा क्या जाता है, इसको लिखा जाता है बिस्प, BISP, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, ठीक है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो इसको लिखा जाता है। तो ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है ये पीपल्स पार्टी के दौर में शुरू हुआ था 2008 के अंदर, ये भी रिसेंटली सवाल भी पूछा गया था कि बेनजीर इनकम सपोर्ट जो प्रोग्राम है ये कब शुरू हुआ था आपका, तो ये 2008 के अंदर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो आपका स्टार्ट हुआ था, तो इसके हवाले से भी सवाल जो है वो पूछा गया है, ठीक हो गया। और इसके बाद अगर हम देखें तो इसके अब पहले इसकी मेरे ख्याल में कोई और थी चेयरमैन पीपल्स पार्टी की थी, मुझे नाम उनका भूल गया, अब इम्पोर्टेंट है डॉक्टर अमजद साकिब साहब को इनका चेयरमैन जो है वो अपॉइंट किया गया, तो ये इम्पोर्टेंट है। यूएस हाउस आपको पता है दो है, एक आपका सेनेट है और एक आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है उनके जो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एक आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका सेनेट। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के जो स्पीकर थे उनका नाम था केवन मैकार्थी, उनको पहली दफा रिमूव किया, पहली दफा तारीख में ऐसा हुआ कि जो स्पीकर थे उनको रिमूव किया गया, ये इसका रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक था, तो केवन मैकार्थी को पहली दफा तारीख में ऐसे हुआ है कि किसी स्पीकर को रिमूव किया गया, उनके आपस के मसले मसाइल थे, तो अब जो रिपब्लिकन पार्टी है उसके जो बंदे, उसका क्या नाम है, माइक जॉनसन, ये भी रिपब्लिकन पार्टी का है, अब इसको क्या है इलेक्ट किया गया है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज याद होगी, नैन्सी पेलोसी थी पहले, ठीक है, नैन्सी पेलोसी साहिबा स्पीकर थी, फिर वो जब हटी, वो जब इलेक्शन हुआ वो हार गए डेमोक्रेटिक पार्टी, तो फिर ये केवन मैकार्थी साहब आए थे, ये रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक था, तो फिर अब उनको पहली दफा हटाया गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टाइप करके, इम्पीच करके, जिस तरह उनका एक प्रोसेस था, तो मतलब उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहा, तो अब रिपब्लिकन पार्टी के ही एक बंदे हैं माइक जॉनसन साहब, उनको क्या किया गया है, इलेक्ट किया गया है स्पीकर, उनको क्या किया गया है, उनको इलेक्ट किया गया है स्पीकर ऑफ द हाउस। ये हाउस कौन सा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, लोअर हाउस, ठीक है, हाउस ऑफ जिसकी 436 या आई थिंक 436 37 जिनकी सीट्स हैं, और सेनेट आपको पता है अपर हाउस है जिसकी 100 सीट्स है, ठीक है, तो ये उसको आप लोगों ने याद रखना है। निमरा सलीम, लास्ट टाइम बताया था मैंने आप लोगों को जिन्होंने लास्ट करंट अफेयर्स का लेक्चर देखा है, कि 6 अक्टूबर को ये जाएंगी, तो ये 6 अक्टूबर को पहली पाकिस्तानी बनी है जो कि स्पेस में गई है, निमरा सलीम, ये सवाल भी आप लोगों की जान नहीं छोड़ने वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद दुनिया की सबसे पावरफुल जो है वो मिसाइल टेस्ट, वो प्यूटन ने क्लेम किया कि हमने किया है, इसकी कोई रेंज नहीं है, इसकी अनलिमिटेड रेंज है, तो इसका नाम ये देख लेना, अजीबो गरीब सा है, ब्यूरे वेनेस्टिक जो भी है, तो इसको देख लेना कि इसको किस तरह से प्रोनाउंस करना है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आया था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लेना।
और स्पेन की जो कंपनी है मोए, उन्होंने एक पहला प्राइवेट रॉकेट रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है, तो मोएरा 1 में भी इसके बारे में पूछा जाए तो इसको आपने देख लेना। इनोवेशन इंडेक्सेस, अब 2023 के अंदर मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, लास्ट टाइम तो मैंने इंडेक्स का लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड है, तो उसको मैं अपडेट करके इंशाल्लाह आप लोगों के साथ पीडीएफ के लेक्चर शेयर करूंगा। तो ग्लोबल इनोवेटिव इनोवेशन इंडेक्स, ये लास्ट टाइम भी मैंने आपसे शेयर किया था कि जो इकोनॉमीज हैं आपकी उनके अंदर कितनी इनोवेशन आ रही है, कौन सा मुल्क कितना वो कर रहा है, तो पाकिस्तान उसने अपने आप को इम्प्रूव किया है। लास्ट टाइम वाली रैंकिंग देख लेना आप लोग, तो पाकिस्तान का अब रैंक इम्प्रूव हुआ है 188, ठीक है, 188 188 जो है वो पाकिस्तान का, सॉरी सिर्फ 88 पाकिस्तान का रैंक है आउट ऑफ 132। तो पाकिस्तान ने ये इकोनॉमीज पाकिस्तान उसमें होता है कि इकोनॉमी के अंदर कितनी इनोवेशन आ रही है, डिजिटलाइजेशन पे कोई मुल्क कितना जा रहा है, किस तरह से रेड टेपिंग टेपिज्म खत्म हो रही है, तो उसके हवाले से इनोवेशन इकोनॉमी के अंदर कितनी आ रही है, तो पाकिस्तान का 88 रैंक है। ये सवाल FPSC बड़े शौक से पूछते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये भी मैं आप लोगों को बता रहा था वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, तो ये 8-10 अक्टूबर। अच्छा जी, पाकिस्तान की GDP की जो फोरकास्ट आई है मैं अपने लोअर करके 2.5%, ये पहले भी बताया था, तो ये अगेन यहाँ आपका रिवाइज हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक्स, ओलंपिक्स आपके एक समर होते हैं एक विंटर आपके ओलंपिक्स होते हैं, तो 2028 की जो लॉस एंजलिस ओलंपिक्स हैं, ठीक है, एक तो आपके समर ओलंपिक्स हैं जो कि अभी 2000 अल्लाह भला करे आपके होने हैं 2026 क्या कहते हैं 2024 के अंदर, अभी जो आपके अगले साल ओलंपिक्स आ रहे हैं पेरिस ओलंपिक्स, उसके बाद आपके 2028 में होने हैं लॉस एंजलिस ओलंपिक्स, 2032 में ब्रिस्बेन में होने हैं, तो 2028 में जो होने हैं ओलंपिक्स उसके अंदर IOC क्या है, ये इंटरनेशनल ओलंपिक वो कॉपरेशन हो गए, इस तरह से होगा देख लेना, ये ओलंपिक है। तो क्रिकेट को जो है पहली दफा ओलंपिक्स के अंदर ऐड किया गया है T20 क्रिकेट को, तो याद रख लेना, पूछा जाएगा कि रिसेंटली ओलंपिक्स 2028 के अंदर एक नई गेम को ऐड किया गया है पहली दफा, वो कौन सी है, क्रिकेट है जी, T20 क्रिकेट अब ओलंपिक्स में एज अ गेम के तौर पे उसको ऐड किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। ये इंपॉर्टेंट है इंडस शील्ड, ये भी हर साल होती है इंडस शील्ड, ये पाकिस्तान के अंदर हो रही है, ठीक है, तो 14 मुल्क इसके अंदर, मुल्क हमें याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कि इंडस शील्ड जो एक्सरसाइजेज है ये कहाँ हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है, तो ये पाकिस्तान की एक्सरसाइज है, डिफरेंट ममालिक जो है तुर्की वगैरह और बाकी भी मुल्क वो इसके अंदर शमूलियत इख्तियार की हुई है इन्होंने, इसको देख लेना, ठीक है। ये कैथरीन डेल्टन साहिबा जो है ये पहली फीमेल कोच बनी, ठीक है, पाकिस्तान की सुपर लीग की हिस्ट्री में ये बॉलिंग कोच ये पहली दफा ये बनी है, तो इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बट स्टिल फिर भी हल्का सा देख लेना, आइडिया में भी इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। बिशन सिंह बेदी ये इंडियन क्रिकेटर है, इनकी भी रिसेंटली भी डेथ हुई है, तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड कप चल रहा था तो इनकी डेथ को काफी ज्यादा वो हाईलाइट हुआ था, तो मे भी इस तरह का सवाल भी पूछ लिया जाए। पाकिस्तान ने पूछा जाएगा अक्टूबर में, पाकिस्तान ने एक वेपन सिस्टम का वो किया है सक्सेसफुल टेस्ट किया है, उसका नाम बताया जाए, तो वो हमारे पास अबाबील वेपन सिस्टम है, ये काफी ज्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है, तो इसके ऊपर काफी ज्यादा जो है ना वो मीडिया में आ रहा था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके हवाले से हमसे पूछा जाएगा। लास्ट मंथ आप लोगों को याद होगा जब मैंने करंट अफेयर्स करवाए थे, मैंने आप लोगों को उससे भी पिछली दफा बताया था कि कतर और इंडिया का मसला चल रहा है, मैंने बताया था ना आप लोगों को कि कतर और इंडिया का मसला चल रहा है, कि इंडिया कतर ने क्या किया है, इंडिया के नेवी के जो एहलकार है ना उनको पकड़ा है स्पाइंग के लिए, कि वो स्पाई कर रहे थे इसराइल के लिए, ये मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था उनका मसला चल रहा है। एक मैंने बताया था इंडिया का और कैनेडा का मसला चल रहा है, उनका भी डिप्लोमेटिक इशू क्या चल रहा था कि कैनेडा के अंदर जो सिख एक रहनुमा थे उनको मारा गया और कैनेडा ने उसका इल्जाम इंडिया के ऊपर लगाया, तो ये इंडिया के दो मुल्कों से मसले चल रहे हैं, कैनेडा से सिखों के हवाले से और इस कतर से चल रहा है कि कतर ने अब क्या कर दिया है, वो जो 8 इंडियन नेवी थे ना उनको क्या कर दिया, डेथ, उनको सजाए मौत दे दी कि वो स्पाई कर रहे थे किसी दूसरे मुल्क के लिए हमारे मुल्क में रह के, तो इस हवाले से भी सवाल पूछा जाए तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अच्छा जी, चाइनीज प्रीमियर, प्रीमियर जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर होता है वहां उनका प्राइम मिनिस्टर को प्रीमियर कहते हैं, उसके पास इतने इख्तियार पावर्स नहीं होती लेकिन फिर भी उसको, तो अब वो जो अब भी ली क्वांग साहब हैं, लेकिन ये वो क्वांग दूसरे हैं, क्यू से उनके स्पेलिंग हो रहा है, तो उनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, ठीक है, तो ये इसका भी सवाल में भी पूछा जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। ये इंपॉर्टेंट है निगहदाद, निगहदाद इनका जो डिजिटल वो है ना उसके अंदर बहुत ज्यादा इनकी सर्विस है, पाकिस्तान की जो डिजिटल फाउंडेशन है उसकी भी ये सरबराह है, पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं ये, तो UN चीफ ने एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके ऊपर एक एडवाइजरी बोर्ड बिठाया है, तो उसका उन्होंने क्या किया है उसके अंदर इसको ऐड किया है एज अ मेंबर के तौर पे, तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों ने इसको देख लेना है। उसके बाद ये ब्राजील के साइंटिस्ट ने एक वैक्सीन है वो बनाई है नई कोकेन एडिक्शन के लिए, तो इसमें पूछा जा सकता है कि कौन से मुल्क ने वो बनाई है, तो वो सिंपल सा कि ब्राजील के जो साइंटिस्टान हैं उन्होंने एक नई वैक्सीन बनाई है किसके लिए जी, कोकेन की एडिक्शन के लिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मलेशिया के अंदर जो बादशाह होता है ना उसको इलेक्ट किया जाता है,
उसको क्या किया जाता है जी, इलेक्ट किया जाता है, एक सेरिमोनियल पोजीशन है, इसकी कोई वो नहीं है। एक सेकंड जरा गाना। अच्छा जी, तो मलेशिया के किंग की बात हो रही थी कि वहां जो बादशाह है वो सेरिमोनियल पोजीशन है, उसको इलेक्ट किया जाता है। तो सुल्तान इब्राहिम जो है वो मलेशिया के क्या है जी, किंग इलेक्ट हुए हैं। तो इसको आप लोगों ने देख लेना, अभी रिसेंटली उनके प्राइम मिनिस्टर भी चेंज हुए थे, वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो इलीगल फॉरेन नेशनल्स रह रहे थे उनको 31 अक्टूबर जो है उसकी डेडलाइन दी गई थी। उनको क्या दी गई थी, 31 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई थी कि वो यहाँ से चले जाएं। तो 1 नवंबर था कि 1 नवंबर को उनकी डेडलाइन एक्सपायर हो गई, हो जाएगी, वो यहाँ से छोड़ जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने देख लेना है। बाकी क्रिकेट के हवाले से आपको पता है वर्ल्ड कप जो चल रहा था, तो उसका भी अभी जो है वो क्या कहते हैं आपका, अल्लाह भला करे, उसका तो अब रिजल्ट आ गया होगा, पता है ऑस्ट्रेलिया ने छठी दफा जीत लिया है, लेकिन वो हम उसको नवंबर के करंट अफेयर्स में देख लेंगे। तो शहीन अफरीदी जो है क्विकेस्ट फास्ट बॉलर बने हैं 51 मैचेस के अंदर, जो 100 विकेट हैं। ये वनडे की बात हो रही है, ये किसकी क्रिकेट की बात हो रही है, वनडे क्रिकेट की बात हो रही है। तो 51 मैचेस में उन्होंने कितने विकेट लिए हैं जी, 100 विकेट लिए हैं। तो ये सबसे फास्टेस्ट बंदा बना है, तो इसको आप लोगों ने देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक नई रिसर्च आई है कि मून जो है 4.6 बिलियन या 4.45 बिलियन ओल्ड है, तो ये हल्का सा इसको देख सकते हो, ये याद करने की जरूरत में भी पूछा भी जा सकता है। और बाकी ये वन लाइनर्स हैं कुछ ही, आप लोगों को देख लेना, उसमें इतने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये काराबाग क्या, नॉर्गोनो काराबाग, ठीक है, जो आजरबाईजान और आर्मेनिया के दरमियान आपका डिस्प्यूटेड एरिया है, उसका नाम क्या है, नॉर्गोनो काराबाग। तो यूएन का मिशन 30 साल बाद पहली दफा उसने इस डिस्प्यूटेड एरिया का विजिट किया है, तो इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है कि किसका वो विजिट किया है, वो आप लोग उसको याद कर सकते हो। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ईयू जो है उसने CO2 इमिशन जो है उसकी इम्पोर्ट के ऊपर जो है वो क्या किया है, कुछ चीजों की इम्पोर्ट के ऊपर टैक्स लगाया है, इम्पोर्टेंट स्टील हो गया, सीमेंट है, उनके ऊपर क्या है CO2 एमिशन टैरिफ लगाए हैं, ठीक है, कि इनके ऊपर जो है जितनी CO2 ज्यादा ये बनाने में वो लगेंगे उतना इनके ऊपर टैक्स लगेगा, इस तरह से करके। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। नादरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को ना, ये बल्कि इसको मैं पूरे को हाईलाइट नहीं करता, मुनीर असफर साहब को बताता हूँ। आप लोग यहाँ देखोगे यहाँ क्या लिखा हुआ है, लेफ्टिनेंट जनरल। ये पहली दफा तारीख में ऐसा हुआ है कि एक सर्विंग बंदे को, लेफ्टिनेंट जनरल, एक सर्विंग आर्मी के बंदे को एक किसी का चेयरमैन, वरना हमेशा रिटायर लोगों को लगाया जाता है, क्योंकि आर्मी के बंदे जब रिटायर हो जाते हैं तो वो फिर उनके पास काफी जो है ना कोई कमाने का जरिया नहीं बचता, ठीक है, काफी वो हो जाता है उनका सिस्टम, तो वो फिर कहते हैं चले किसी महकमे में लगा दें, उनकी रोजी रोटी चलती रहेगी। तो पहली दफा ऐसा हुआ है कि आर्मी का जो लेफ्टिनेंट जनरल है मुनीर असफर, उनको क्या नादरा का चेयरमैन लगाया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, आगे भी बेशक ये रिटायर भी हो जाएंगे फिर भी आएगा। एक हाजिर सर्विस बंदे को लगाया गया था, तो उसका क्या नाम है, मुनीर असफर, अब नादरा के चेयरमैन है। उसके बाद ऑस्कर के लिए पाकिस्तान की तरफ से एक एंट्री हुई है, ऑफिस वो मूवी की, उनका क्या नाम है, इन द फ्लेम्स, कि 2024 के लिए जो ऑस्कर अवार्ड होने हैं उसमें पाकिस्तान की तरफ से जो मूवी गई है उसका क्या नाम है, इन फ्लेम्स। तो इसका सवाल आपको पता है, ऐसी वैसे सवाल बड़े पसंद है। एशियन गेम्स ये कंक्लूड हो गया, ये मैंने पहले बताया था, ये आपके रिवाइज हो जाएगा, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, कि अभी जो 2023 के अंदर अभी जो एशियन गेम्स हो रही हैं ये कहाँ हो रही हैं, ये आप अल्लाह भला करे आपकी चाइना में हो रही है, 2026 की मैंने बताया था कि जापान में होंगी। ये दोनों आप लोगों ने सबसे ज्यादा इसमें गोल्ड मेडल जो लिए हैं वो चाइना ने लिए हैं, तो ये आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। और ये क्योंकि शुरू सितंबर में हुई थी, ये 23 सितंबर से शुरू हुई थी पिछले करंट अफेयर में मैंने बताया था, और 8 अक्टूबर को ये कंक्लूड हुई है। तो ये आपने दो चीजें याद रखनी है कि 2023 में कहाँ हुई है, चाइना में, चाइना ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं, अगली कहाँ होंगी, 2026 में जापान के अंदर होंगी, तो ये दोनों चीजें आपने याद रख लेने हैं। अच्छा जी, स्पेस के अंदर पहली दफा एक जानवर का एम्ब्रियो जो है उसको ग्रो किया गया है, तो वो किसका एम्ब्रियो ग्रो किया गया, माउस का किया गया है, ये भी आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा। बाकी इसराइल और फलस्तीन का आपको पता है, उसके हवाले से काफी मामला जो है वो चल रहे थे, तो यूएन जनरल असेंबली ने कहा कि वहां फौरन जो है वो होना चाहिए क्या, ट्रूस होनी चाहिए, सुलह सफाई होनी चाहिए। तो उसकी रेजोल्यूशन जो पास की गई थी वो 27 अक्टूबर को, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे लाजमी पूछा जाएगा, पीपीएससी भी पूछेगा, एफपीएससी भी पूछेगा, कि यूएन जनरल असेंबली ने ट्रूस के लिए, जंगबंदी के लिए एक रेजोल्यूशन पास की थी, वो रेजोल्यूशन कब पास की गई थी, तो आप लोग क्या कहोगे, यकजान होकर कहोगे 27 अक्टूबर को पास की गई थी। उसके बाद ये थर्ड बेल्ट एंड रोड फोरम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका इसको था BRF, थर्ड BRF कब हुआ, तो आप कहोगे 17 से 18 अक्टूबर को चाइना के अंदर हुआ, और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने इसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था। थर्ड BRF जो है आपका वो आपका कहाँ हुआ था, BRFIC, इस पर अभी लिखा हुआ है, या सिर्फ BRF इंटरनेशनल कॉपरेशन भी लिखा होगा, तो ये आपका चाइना के अंदर हुआ था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर ये CPAC भी चल रहा है।
ये 17 से 18 अक्टूबर के अंदर हुआ था चाइना के अंदर, तो पाकिस्तान की तरफ से नवारुल हक काकड़ साहब जो है उन्होंने शिरकत की थी। बाकी 27 अक्टूबर को आपको पता है कश्मीर ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाता है, तो ये आप लोगों का एक तरह से पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर आप लोगों को बताया भी हुआ कि ब्लैक डे के तौर पर ये मनाया जाता है, तो ये आप लोगों का हो जाएगा। उसके बाद लास्ट एक हमारे पास जो है फर्स्ट रोबोटिक सर्जरी, ये एमसीक्यू पेरेंट्स से मैंने एमसीक्यू ये किया था, वहां ये आया हुआ था। तो ये जिना कराची के अंदर एक मेडिकल सेंटर है, वहां पाकिस्तान के अंदर जो पहली कंप्लीट जो रोबोटिक सर्जरी है वो पहली पाकिस्तान में कराची के अंदर यहाँ परफॉर्म हुई है। तो इसके हवाले से भी आप लोगों से सवाल जो है वो पूछा जा सकता है, ठीक हो गया। तो इनशाला ये आप लोगों के अक्टूबर के करंट अफेयर्स थे, क्योंकि अब करंट अफेयर्स जरा थोड़े से इवेंट्स कम हो रहे हैं, नवंबर के इंपॉर्टेंट होंगे। नवंबर के अंदर हमारी कॉप, ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है जो अब आजकल यूएई में चल रही है, होनी है, तो उसके हवाले से चीजें हैं। फिर ये वर्ल्ड कप का, जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमारा वर्ल्ड कप अभी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, किसको हराया, कहाँ हुआ वर्ल्ड कप, ये सारी चीजें, और दो तीन चीजें जो इवेंट्स हमारे होने हैं, ये तो चीफ जस्टिस वगैरह को चेंज हो रहे हैं हमारे पास हाई कोर्ट से, उनको हम देखेंगे इनशाला। तो ये पीडीएफ इनशाला आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इनशाला आगे कोशिश करेंगे कि जिस मंथ की करंट अफेयर्स हैं वो उसके अंदर ही हो जाए। तो कोशिश करें इनको करंट अफेयर्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दिया करें बाकी लोगों के साथ, और इस दफा आप लोगों ने एक लाजमी करना है कि जरा करंट अफेयर्स के हवाले से कमेंट्स में लाजमी बताना, ठीक है, कमेंट्स में लाजमी बताना है। और ऐसे वाला जो सेशन है उसकी वीडियोस वगैरह को भी देख के, और अगर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है तो उसको लास्ट में ज्वाइन करना, ठीक हो गया। तो बाकी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आप लोगों का इसी, क्योंकि अभी नवंबर के थोड़े से रहते हैं हफ्ते वाला, एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता, तो नवंबर के जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों को नवंबर के करंट अफेयर्स भी हो मिल जाएंगे, और बाकी फिर आगे जैसे हमारा सिस्टम चलता है वो चलता रहेगा। और मेरी कोशिश ये है कि जीके सीरीज जो है ना वो अगेन आप लोगों के लिए रिवाइज हो, तो वो भी मैं अगेन शुरू करूंगा, ठीक हो गया जी। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखो और दुआ में याद रखो, अल्लाह हाफिज, रब रखा।